रामपुर में बिजली विभाग की मनमानी, अत्याचार और अन्याय न बर्दाश्त करेंगे न होने देंगे। ये हमारा एक एक चेकिंग की रिपोर्ट जब सामने रखी जाएगी, एक एक रिपोर्ट में अनियमितता मुंह से बोलेगी, जिसको हमें हमारे उल्लेख करने से पहले इन अधिकारियों को स्वयं देख लेना चाहिए। और इन्होंने हमारे साथ में बहुत खराब व्यवहार किया, इन्होंने व्यवहार ऐसा किया जिसकी हमें अपेक्षा और उम्मीद भी नहीं थी। रामपुर जनपद में विद्युत विभाग की जो कार्यशैली और जो कार्य प्रणाली वर्तमान में है, उससे उपभोक्ता व्यापारियों सहित बहुत अधिक प्रताड़ित, उत्पीड़ित और शोषित महसूस कर रहे हैं। लंबे समय से हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, ख़ास तौर से जेई स्तर पर, अवर अभियंताओं के स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है और जिसकी निगरानी उनके उच्च अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जैसे जेई की पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी, उसके सुपरविजन की जिम्मेदारी, उसके काम करने के काम तरीकों की जिम्मेदारी एसडीओ की, फिर एक्सीएन की और पूरे जनपद में इन ऐसी महोदय की है। वो चेकिंग के नाम पर और जो व्यापारी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और जो आम उपभोक्ताओं के साथ हो रहा है, उसमें हमारे पास कहने को बहुत अधिक विस्तार है और आप उसको इस समय सुन भी नहीं सकते। ये हमने लिखित में दिया है, आप ज्ञापन की प्रति मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आप ऐसा करें कि अपनी मौजूदगी में, हमने इनकी मौजूदगी में सभी अधिकारियों की खंडवार उपस्थिति में समस्या का अध्ययन की एक कार्यशाला मांगी, एक वर्कशॉप मांगी हमने इनसे कि आप स्टडी की हमें एक वर्कशॉप दें ताकि हम डिटेल में आपको विस्तार से पूरी बात समझा सकें। क्योंकि एक एक चेकिंग की रिपोर्ट जब सामने रखी जाएगी, एक एक रिपोर्ट में अनियमितता मुंह से बोलेगी, जिसको हमें हमारे उल्लेख करने से पहले इन अधिकारियों को स्वयं देख लेना चाहिए, लेकिन ये देखने को तैयार नहीं है। और इन्होंने हमारे साथ में बहुत खराब व्यवहार किया, इन्होंने व्यवहार ऐसा किया कि जिसकी हमें अपेक्षा और उम्मीद भी नहीं थी। और ना ही ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनका वेतन निकलता है, सारा विभाग का खर्चा हमारे दिए हुए टैक्स से चलता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा जब मेरे पास में समय होगा तो 7 तारीख के बाद में, आज 26 तारीख में हम इनसे समय लेकर मिलने आए थे अपनी व्यथा सुनाने, लेकिन इन्होंने कहा 7 तारीख के बाद में मैं लिखित रूप में आपको बताऊंगा कि कब बैठना है। और बीच की दुर्व्यवहार की बातें आपके संज्ञान में पहले ही आ चुकी हैं कि किस प्रकार से चाय पीते रहे और किस प्रकार से खराब शैली का उपयोग किया। और ये मुझे लगता है कि ये इस जिस पद पर बैठे हैं उस पद के लिए न तो उपयुक्त है न अनुकूल है। अच्छा, धरना समाप्त हुआ आपका, अब क्या कहा इनके इन्होंने? नहीं, आपने स्वयं सुना है, इन्होंने ये कहा कि अब आपको हम 30 तारीख को ससम्मान आमंत्रित करते हैं कि आप 30 तारीख को आइए और 30 तारीख को हम विस्तृत आपसे बातचीत करेंगे। अब आप लोग संतुष्ट हैं? हमें तो व्यापारी की व्यथा, उपभोक्ता की व्यथा इन तक पहुंचानी है, क्योंकि जिम्मेदारी की सीट पर ये बैठे हैं। परिणाम जो है, समस्या का समाधान जो है, वो इनके स्तर से आना है। अगर इनके स्तर से हमारी बात को सुनने के बाद समाधान नहीं किया गया हमारी समस्याओं का, तो हम और अधिक कड़े शब्दों में इनको चेतावनी देकर अपना आंदोलन बाकायदा चरण स्थापित करके, चरण निश्चित करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रामपुर में बिजली विभाग की मनमानी, अत्याचार और अन्याय न बर्दाश्त करेंगे न होने देंगे, ये हमारा संकल्प है।